नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं हूं आभय टेक्निकल 24 चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं ई पैन कार्ड को फिजिकल पैन कार्ड यानी पीबीसी कार्ड में बदलवाने के तरीके के बारे में। जी हां, ई पैन कार्ड लोग फ्री में 5 मिनट में बनवा तो लेते हैं, लेकिन जो है उसमें फादर नेम नहीं होता है, साइन भी नहीं होता और कई जगह उसे लगाने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास भी ई पैन कार्ड है और आप उसे फिजिकल पैन कार्ड में बदलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप ई पैन कार्ड को फिजिकल पैन कार्ड में बदलवा सकते हैं, वो भी फोटो साइन और फादर नेम के साथ। आपको कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने की जरूरत नहीं होगी, आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ही ये सब कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं ई पैन कार्ड को फिजिकल पैन कार्ड में कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, इस पोर्टल पे आना है, rotantinpan.com, ये आपको देख लेना URL इसका। और इस वेबसाइट पे आएंगे, इसे ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा, यहाँ 3 लाइनों पर क्लिक करना है राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, एक ऑप्शन होगा इसमें पैन का, सिंपली पैन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब पैन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने अप्लाई ऑनलाइन, और हम नीचे आते हैं तो रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और नीचे आते हैं थोड़े, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है चेंज करेक्शन इन पैन डाटा का। अब यहाँ पे चेंज एंड करेक्शन पैन डाटा पर आना है और नीचे आना है, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ भी मिल जाते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, सिंपली इसके ऊपर अप्लाई पर क्लिक कर देना है, चेंज एंड करेक्शन पैन डाटा और उसके नीचे अप्लाई, सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है। वीडियो हमारा एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा पूरा प्रोसेस। अब अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। अब यहाँ नीचे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, यही सिलेक्ट रखना है। एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पे तीसरे नंबर का चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल। अब यहाँ पे अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, नाम का श्री श्रीमती कुमारी जो भी होगा। उसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे लास्ट नेम अपना डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। उसके बाद फर्स्ट नेम जो भी आपके पैन कार्ड में होगा वो पहला नेम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैं पहला नेम अपना फर्स्ट नेम भी डाल देता हूँ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक करो थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में मजा आता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर कोई मिडिल नेम है तो डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके पैन कार्ड में होगा, ई पैन कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पहले यहाँ पे ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया इसे यस कर देना है, यहाँ पे यस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हम आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप फादर नेम साइन वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, तो पूरा आप देखेंगे वीडियो तभी समझ में आएगा। कई लोग पूरा देखते नहीं, बाद में गाली देते हैं, समझ नहीं आता उनको। अब यहाँ पैन नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा लिखा होगा, कैप्चा कोड सेम कैप्चा कोड नीचे डाल देना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड लिखा है यहाँ नीचे डालते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो रिफ्रेश भी किया जा सकता है। फाइनली सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा, यहाँ एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। हमारा टोकन नंबर जनरेट हो चुका है, इस टोकन नंबर को हम नोट कर लेंगे, स्क्रीन शॉट कर रख लेंगे। ये 30 दिन के लिए वैलिड होता है और आगे हम अगर इसमें स्किप कर जाएँ तो इस टोकन नंबर से दोबारा हम वहीं पहुँच सकते हैं। कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट होने के बाद। अब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 4 स्टेप में इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है सबमिट डायरेक्टली थ्रू ई के वाई सी ई साइन पेपरलेस, पहला ऑप्शन यही सिलेक्ट रखना है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है। अगर आप अलग से अपना कोई फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो फिर दूसरा सबमिट स्कैनड इमेज थ्रू ई साइन दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना पड़ेगा, आपका फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, आपका साइन भी करके अपलोड करना पड़ेगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार वगैरह ये भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर पहला ऑप्शन सिलेक्ट रखेंगे सबमिट डायरेक्टली थ्रू ई के वाई सी ई साइन पेपरलेस तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपका जो फोटो होगा वो आधार कार्ड में जो फोटो होगा वही आपके पैन कार्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट रखते हैं। अब फादर नेम कैसे ऐड करना है वो भी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे हम पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट रखते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ रिक्वायर्ड
यहाँ पे लिखा है फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम टिक कर देंगे यस पर, फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, यस कर देता हूँ, यहाँ ध्यान से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट अपना डाल देना है, जो भी आधार कार्ड का आपका लास्ट 4 डिजिट होगा नंबर, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट जो है, इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से यस सेलेक्ट करना है। इसमें होगा क्या कि आपके जो भी जो आधार कार्ड में फोटो होगा वही फोटो आपके पैन कार्ड में आ जाएगा, अलग से फोटो अपलोड नहीं करना पड़ेगा, हमने यस कर दिया, ठीक। अब नीचे आएंगे, अब नीचे आएंगे, आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेना है कि आपके जो है पैन कार्ड में किस तरह से नाम प्रिंट होके आएगा वो यहाँ पे दिखा देता है। अगर अभी आपको लगता है कुछ गलत है तो इसे सही कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह आपके पैन कार्ड में नाम आएगा। अब यहाँ टिक करना है जेंडर पर और जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी होगा। उसके बाद फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच, यहाँ पे दोनों पे टिक रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसे रहने देना है। नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे फादर लास्ट नेम आपको अपना डाल देना है, आपके फादर का लास्ट नेम डालना है, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम डाल देना है और उसके बाद मिडिल नेम कोई है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। अपने फादर का नाम यहाँ डाल देना है। मदर नेम ऑप्शनल है, अगर आप मदर नेम डालना चाहते हैं तो मदर नेम भी डाल सकते हैं, अगर फादर नेम नहीं डालना चाहते, सिर्फ मदर नेम डालना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते हैं, फादर नेम डालना जरूरी होगा, ठीक है, मदर नेम ऑप्शनल है। अब यहाँ पेरेंट्स नाम में आप मदर का या फादर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस पर टिक करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते ही हमारे सामने इस तरह से पेज आ चुका है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ एड्रेस है, एड्रेस नहीं डालना है क्योंकि ये हमारे आधार कार्ड से बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंट्री कोड जो होता है, कंट्री कोड हमारा +91 है, सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे आके नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करते ही हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेन, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कॉपी ऑफ पैन कार्ड, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे हिमसेल्फ हेयरसेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कितने डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, तो हम दो यहाँ पे डालते हैं, 2, क्योंकि एक हमारा पैन डिटेल लिया, एक आधार, तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद प्लेस का नाम, जगह का नाम यहाँ डाल देंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड का पहला 8 डिजिट, पहले हमने 4 डिजिट डाला था लास्ट का, अभी पहले 8 डिजिट डालना है, टोटल 12 डिजिट हो जाएगा। आधार डाल दिया, आधार नंबर, उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिखा देगा, एक तरह से सारी डिटेल देख लेना है आपको, कि चेक कर लेना है कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अब यहाँ पे हमारा सारा डिटेल आ चुका है जो हमने पहले डाला, ठीक है। अब यहाँ अगर कोई गलत होगा तो एडिट करके सही कर लेंगे, वरना प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, पेमेंट ऑनलाइन सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन अग्री करता हूँ, पे करता हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे 106.90 रुपये का पेमेंट करना है। अब हम पे जिससे करना चाहते हैं, जैसे UPI से करना चाहते हैं, UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना UPI ID डाल के जो है प्रोसीड कर देता हूँ। UPI ID पर रिक्वेस्ट चला जाएगा 106.90 रुपये का, उस पर कन्फर्म करेंगे अपना जो है पिन वगैरह डाल के, और पेमेंट होने के बाद ये पेज ऑटोमेटिक बैक कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं, सिंपली ये डिटेल डल चुका है, पेमेंट हो चुका है। अब कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से आता है आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन, सिंपली हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है, तो हम नीचे आएंगे ऑथेंटिकेशन करने के लिए, और यहाँ डिटेल हमारा डला हुआ, एप्लीकेशन नाम वगैरह, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ नीचे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, अब डिटेल यहाँ पे मैच कर लेगा, सही है, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह आ जाएगा कंटिन्यू विथ EKYC पर क्लिक कर देना है। अब EKYC होगा तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ EKYC करता हूँ और दूसरा पेज हमारे सामने खुल के आता है कुछ इस तरह से। आधार से लिंकड मोबाइल नंबर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल देना है, सिंपली OTP डालता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब हमारे जो है इस तरह से पेज आ चुका है। अब यहाँ कंटिन्यू विथ ESign पर क्लिक करते हैं, EKYC हो चुका है, अभी ESign करना होगा। ESign से मतलब साइन आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ ESign कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम टिक कर देते हैं और यहाँ पे VID आधार नंबर लिखा है, आधार VID और आधार लिखा है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं। VID यानी वर्चुअल आईडी होता है, जो आधार कार्ड पे ही लिखा होता है नीचे, तो आप चाहें तो वो डाल सकते हैं या फिर आधार नंबर डाल सकते हैं। आधार नंबर डालता हूँ, सेंड OTP करता हूँ, OTP आता है और OTP डाल के यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद फाइनली हमारा जो है डिटेल सबमिट हो चुका है पैन कार्ड में फादर नेम ऐड होने के लिए और फिजिकल पैन कार्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाता है, इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड किस तरह डाला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ
1194 है, तो 01 01 1994 यही पासवर्ड होगा, ये डाल के आप ओपन कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड होगा, इसे ओपन कर लेंगे, इस पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, किसी को शेयर करना चाहें कर सकते हैं। अब ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, इसमें सारे डिटेल होता है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका नया पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड जो आपके एड्रेस पर जो है लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे फिजिकल पैन कार्ड आपका जो है फादर नेम वगैरह के साथ में फिजिकल पैन कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा बाय पोस्ट, जिसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ई पैन कार्ड को फिजिकल पैन कार्ड में बदल सकते हैं, वो भी फोटो साइन और फादर नेम के साथ। साइन आपको बता दें, उसमें एक ब्लैंक जगह होगा, उसके ऊपर ही आपको खुद से साइन कर लेना होगा, साइन अपलोड नहीं होता है। तो इस तरह से आप ई पैन कार्ड को फिजिकल पैन कार्ड में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, उनको भी पता चल सके इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।